इंटरनेशनल है क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम मेमोरियल डे के लिए क्राफ्ट करने जा रहे हैं, एक बड़ा सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनाने जा रहे हैं। करते हैं स्टार्ट। इस तरह से ये मैंने वाइट शीट ली है, इसके कॉर्नर मैंने इस तरह से काट लिए और इसके ऊपर दो होल करके मैंने ये धागा इसमें डाला है और दूसरा धागा मैं यहाँ से इस तरह से निकालते हुए यहाँ पर गांठ लगाऊंगी। देखें इस तरह से आप यहाँ पर गांठ लगा दें, मोटी सी, छोटी सी, मोटी सी, जो सुंदर भी लगे और धागा बाहर भी ना निकले। आप इस तरह से यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं। इस तरह से ये मैंने नॉट लगा दी यहाँ पर, देखें। अब ये इस तरह से ये निकलेगा नहीं और ये इस तरह से हैंग करने के लिए तैयार है। अब देखें मैंने लाल पेपर, ये रेड पेपर लिया है, इस तरह से करते हुए मैंने इसे इसको इस तरह से काट दिया है। काटने के बाद ये इस तरह से निकला, फिर इसके बाद मैंने इस तरह से ड्रॉ करके ये पत्ती काटी है, इस तरह से निकली, देखें। फिर इस तरह से स्केच पेन लेके मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, इस तरह से आप देखिए जैसे ये है, तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो पत्तियां बना लिया। इस तरह से मैंने पत्तियां बना ली हैं और इस तरह से ही मैंने ये काले कट कट करके रखे हैं और इसमें येलो पेपर की मैंने गिट्टी लगाई है इस तरह से। तो अब हम ये हमने बना कर रखे हैं, देखिए इस तरह से। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने मेमोरियल डे लिखना है, तो मेमोरियल डे लिखेंगे हम यहाँ पर पहले। देखिए इस तरह से मैंने मेमोरियल डे लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लीव्स लगाऊंगी इस तरह से, ये मैं लीव्स इस तरह से लगाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी इस तरह से लीव्स और यहाँ पर भी लगाऊंगी, एक कॉर्नर पर यहाँ भी लीव्स इस लगाऊंगी इस तरह से। देखिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में एक पॉपी का ये फूल फ्लावर लगाऊंगी, देखिए इस तरह से। ये जब हमारा इस तरह से हैंग होगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। सेम इसी तरह से मैं यहाँ का कॉर्नर भी इसी तरह से लगाऊंगी, यहाँ पर मैं इस तरह से एक लगाऊंगी और एक कॉर्नर में यहाँ लगाऊंगी इस तरह से, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर हम इस तरह से ये फ्लावर लगा देंगे, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऐसे लगना चाहिए। फिर यहाँ पर हम बीच में फ्लावर लगा देंगे इस तरह से, देखिए। तो ये हमारा बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, सिंपल, बहुत ही प्यारा ये हमारा मेमोरियल डे का वॉल हैंगिंग तैयार हो गई। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये भी कितना सुंदर लग रहा था, दोनों आप देख सकते हैं बहुत प्यारे, बड़े सुंदर बने हैं। गुड लक।